अभी अब शाम के 5 बज रहे हैं तो नीतीश कुमार बोलते नहीं सुबह के 5 बज रहे हैं, नहीं मालूम ऐसा कोई सुनने में आए। इनको मेरे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इस बात का इनको डर है कि ये आज खड़ा हो रहा है तो कल ये हजारों लाखों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा, इसीलिए इनको डर होता है। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लड़ रही है, बीजेपी अब खुल कर कह रही है, देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं वो माशाल्लाह से, हर चीज वो कर लेते हैं, माने कहां कहां आप देखते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 370 सीट पर जीतेंगे। मेरे भाई क्या ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां रोक पाएंगी बीजेपी को, क्या ये रोक पाए 2014 में? मैं जब सवाल करता हूं 2014 में हमारे कितने पार्लियामेंट की सीट लड़े, 2 लड़े, 2019 में हम 3 लड़े, भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर हर एक की जबान पर क्या होता, ओएसी है, ओएसी खड़ा हो गया। इनको मेरे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इस बात का इनको डर है कि ये आज खड़ा हो रहा है तो कल ये हजारों लाखों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा, इसीलिए इनको डर होता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा हो, वो सब के सब यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, तुम इनके घर में जाओ तो अपनी चप्पल और जूता उतार कर सर को झुका कर नीचे बैठ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई, भारत का संविधान सबको बराबरी का हक दिया है, हम ना किसी के सामने झुकेंगे ना किसी से भीख मांगेंगे, संविधान ने जो कहा कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है, और नीतीश कुमार तो माशाल्लाह मैं सुनता हूँ, नहीं मालूम अख्तर भाई सही बोलेंगे, अभी अब शाम के 5 बज रहे हैं तो नीतीश कुमार बोलते नहीं सुबह के 5 बज रहे हैं, नहीं मालूम ऐसा कुछ सुनने में आए, नहीं मालूम ऐसा कुछ सुनने में आता है, सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे भाई मेरे बुजुर्गो मेरी सरदार माओ बहनों, देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को रोकना है आपको, इस माहौल को आप सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं रोकेंगे, इस माहौल को अगर आपको रोकना है तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा।